G20 समिट के तीसरे चरण की चर्चा जारी। बैठक के बाद पीएम का संबोधन। नई दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडप में G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन की चर्चा जारी है। इस दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो ने बैठक शुरू होने से पहले पीएम मोदी को एक पौधा देकर उनका अभिवादन किया। सूत्रों के मुताबिक तीसरे चरण की बैठक में G20 देशों के नेताओं के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन फ्यूचर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। इस बैठक के आखिर में पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वर्किंग लंच मीटिंग करेंगे। इस द्विपक्षीय बैठक में इंडियन एयरफोर्स के लिए राफेल जेट पनडुब्बी और स्वच्छ ऊर्जा के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी आज कोमोरोस, तुर्किया, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, EU, EC, ब्राजील और नाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन यानी रविवार की सुबह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की है। इस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें खादी अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, ओमान के उप प्रधानमंत्री असद बिन तारिक बिन तैमूर अल सईद, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने भी राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित की है। First call upon the President of Indonesia to hand over a tree sapling to the Prime Minister of India. We would now call upon His Excellency the President of Brazil to hand over a tree sapling to the Prime Minister of India. Thank you, Excellencies. That concludes the special event. May I now request members of media to kindly vacate the room so that we can begin the third session. Thank you.